धन्यवाद हे गुरु जी। हम अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिख बिख खाई। माया मोह परम पै पूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनया गुरसंगत, तेह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास रखहु सरनाई। सो कहो टल गुर सीवीऐ, एहनिस सहज सुपाई। दर्शन परसै गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। सलोक महला तीजा, गुर बिन ज्ञान ना होवई, ना सुख वसै मन आई। नानक नाम विहुणे मन मुखी, जासन जन्म गवाए। गुर बिन ज्ञान ना होवई, ना सुख वसै मन आए। नानक नाम विहुणे मन मुखी, जासन जन्म गवाए। महला तीजा, सिद्ध साधिक नावै नो सब खोज दे, थक रहे लिवलाए। बिन सतगुर किनै ना पाए, ओ गुरमुख मिलै मिलाए। बिन नावै पैनन खान सब बाद है, तिग सिद्धि तिग करमात। सा सिद्ध सा करमात है, अचिंत करे जिस दात। नानक गुरमुख हर नाम मन वसै, एहा सिद्ध एहा करमात। पौड़ी हम ढाडी हर प्रभ खसम के, नित गाव है हर गुण क्षमता। हर कीर्तन कर है हर जस सुन है, तिस कवला कंता। हर दाता सब जगत पिखारिया, मंगत जन जनता। हर देव हो दान दयाल होए, विच पाथर क्रिम जनता। जन नानक नाम ते आया, गुरमुख धनवंता। हर देव हो दान दयाल होए, विच पाथर क्रिम जनता। जन नानक नाम ते आया, गुरमुख धनवंता। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, कृपालू पातशाह जी ने रहमत करके अमृत वेले पावन फुरमान अज दे हुक्मनामे दे रूप दे विच बख्शिश कीता। सोलठ राग दे विच गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह जी दी सोलठ राग दी वार जेड़ी ए ओदी 20वीं पौड़ी है, और ये आरंभिक जेडे श्लोक ने दो वो गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह जी दे ने। कृपालू पातशाह जी दोनों श्लोकों दे विच गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह जी जेड़ा रब्बी ज्ञान है,
या अध्यात्मिक जाग है। गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह जी कहिंदे ने भी गुरु तो बिना नहीं वह लगती। दूसरे श्लोक च महाराज कहिंदे ने भी सिद्ध ते साधिक पुजे हुए जिहड़े अभ्यासी ने वह भी कोशिश कर करके हार गए, पर गुरु तो बिना उन्हां नूं भी वो सिद्धि प्राप्त नहीं हुई। और फिर गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह जी पौड़ी च जिक्र करते ने कि मैं ते उस परमात्मा दा जस गाउण वाला, उहदी सिफत तो सलाह करन वाला, और वह परमात्मा जिहड़ा इस सारे ब्रह्मांड दे विच छोटे तो छोटे जीवां नूं भी रिजक बढ़ाउंदा। तो इस पावन पूरी पौड़ी दे विच दो श्लोकां दे विच महाराज जो बख्शिश करदे ने, असी उहनूं मुक्त सरजिआ जां संखेप रूप च विचारांगे। साहिब सलोक महला तीजा। सलोक वो बंद जिहड़ा दो पंक्तियां दा भी हो सकदा ज़्यादा भी, और महला तीजा गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह जी कृपालू पातशाह जी रहमत करते ने, गुर बिन ज्ञान ना होवई ना सुख वसै मन आए। जदों महाराज कहते ने ना गुर बिन ज्ञान ना होवई, गुर बिन जदों कह दिता इहदा मतलब कोई दूसरी जगह कोई दूसरी हस्ती है ही नहीं जिदे तो परमेश्वरी ज्ञान लिया जा सकता। ना सुख वसै मन आए, जे फिर वह ज्ञान लिया ही नहीं जा सकता किसी तो, वह आत्मा नूं शांति देने वाली चीज़ लई नहीं जा सकती, तो फिर सुख कित्थे? तो इहदा मतलब मन दे विच सुख नहीं हो सकता। नानक नाम वी हुणे मन मुखी जासन जन्म गवाए। हुण गुरु तो बिना परमात्मा दे नाम की प्राप्ति नहीं, और गुरु तो बगैर एक कोशिश करने वाले जिहड़े ने महाराज उन्होंने मनमुख कहिंदे ने। जिवें आपां आम ही गल हुंदी है गुरबाणी दे दो ही कंसैप्ट ने बेसिकली, गुरमुख ते मनमुख, विचले दा कोई जिक्र नहीं। कोई राह च है तुर रहा जिज्ञासा दे पॉइंट ऑफ व्यू तो, कमाई दे पॉइंट ऑफ व्यू तो, यात्री ने, पर राह दो ही ने, एक गुरमता एक मनमता। तो महाराज कहिंदे ने भी जिन्हां ने गुरु दे नाल उहदे एतबार च उहदे यकीन च नहीं आए, पहली गल उहनां नूं कोई रब्बी जाग लग नहीं सकदी, दूसरी कोई सुख प्राप्त नहीं हो सकता, और तीसरा रिजल्ट की है? सच्चे पातशाह कहिंदे ने भी वह अपना जन्म गवा के जाणगे। गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह जी कहिंदे ने गुर बिन ज्ञान, धर्म बिन ध्यान, सच बिन साखी मूलो ना बाकी। भी गुरु तो बगैर ज्ञान संभव ही नहीं। हुण जदों महाराज गुरबाणी च बार बार गुरु तो ज्ञान की गल करते हैं ना जी सतसंग जी, तो आसा जी की वार दे विच ना एक श्लोक है आरंभ दे विच ही, जे सौ चंदा उगवै सूरज चढ़ै हज़ार, इत्ते चानण हुंदिआं गुरबिन घोर अंधार। महाराज कहिंदे ने सूरज ते चंद्रमा ये सिर्फ बाहरी तौर पर उन्हों का जिक्र नहीं जिहड़े आकाश के चमकते हैं या ब्रह्मांड के विच ने। जदों अगली पंक्ति दे विच गुरु दे तो बगैर अज्ञानता की जां हनेरे की महाराज गल करते हैं, इहदा मतलब भी सूरज ते चंदा का मतलब यह होया भी ज्ञान दे ओ अथाह वड्डे सौमे जिदे विचों ज्ञान प्राप्त करके मनुख बहुत जागृति हासिल कर सकता। जे सौ चंदा उगवै सूरज चढ़ै हज़ार, भी ज्ञान मनुख को शिखरी हो सकता है, बौद्धिक तल का ब्रह्मंडी तल का, पर जे सौ चंदा उगवै सूरज चढ़ै हज़ार, इत्ते चानण होंदे। चानण का मतलब है इन्ना ज्ञान होने के बावजूद भी, इन्ना प्रकाश होने के बावजूद भी, इन्नी चेतना होने के बावजूद भी, गुरबिन कोर अंधार, गुरु तो बगैर हनेरा ही हनेरा, यानी दूजे ज्ञान का कोई अर्थ नहीं रब्बी ज्ञान के मुकाबले च, और वह गुरु करवा सकता। तो साहिब कहिंदे ने गुरबिन ज्ञान धर्म बिन ध्यान। हुण दो चीज़ां ने इत्थे गुरु नानक साहिब जी ने जिक्र किया,
पहला गुरु तो बगैर वो जाग नहीं लगनी, वो चेतना आनी ही नहीं अंदर। दूसरा गुरु ने जिहड़ी चेतना बख्शिश की उहदे च बने रहन वास्ते भी परमात्मा की जाग लाते ने ना महाराज, गुरबाणी पढ़न वाले पासे ध्यान जाएगा, नाम जपन वाले पासे ध्यान जाएगा। पर महाराज कहिंदे ने भी धर्म बिन ध्यान, जे गुरु दस भी दे राह, हुण राह तो सारे नूं पता ना, गुरबाणी तो सारे पढ़ते हैं, पर ध्यानी कोई कोई है, विरला है, बाकी सारे वो सिर्फ उस कर्मकांड च ही ने या किरिया च ही ने, होर कोई बहुता वह अंदर तक नहीं उन्हां दी पहुँच। तो महाराज कहिंदे ने धर्म बिन ध्यान, धर्म एक ओ डिसिपलन, ओ मर्यादा जिहड़ी गुरु ने दसी और जिज्ञासु या सिख उहदे विच टिक गया फिर उहदा ध्यान लगता है। दुनियावी तौर पर जदों आपां कहिंदे ना वी साडा ध्यान नहीं लगता, बाणी पढ़ते हाँ, कई नाम भी जपते ने, हुंदा नहीं कुछ, तो उहदा कारण यह है भी जो गुरु ने डिसिपलन लाइफ का दस्या, जो परहेज़ दस्या सानू, असी वह नहीं करते। बस उस परहेज़ बिना ध्यान लगना नहीं, तो जिन्ना चिर तक ध्यान नहीं लगता उन्ना चिर तक प्राप्ति नहीं। तो इस करके महाराज कहिंदे ने नानक नाम विहुणे मनमुखी जासन जन्म गवाए, भी ओ मनुख जिहड़े ने ओह मन दे पिछे तुरदे ने, अपनी मत दे पिछे तुरदे ने, इस करके जन्म गवा लैंदे ने। मनुख ने धार्मिक कर्म किते, भी नाम भी जपिया, बाणी भी पढ़ी, होया कुछ नहीं, तो इहदा मतलब यह भी वह किसी चीज़ तो सखणा रह गया, भी कोई चीज़ इहो जी है जिहड़ी वह कर नहीं रहा। तो जिन्ना चिर तक वह नहीं होंगी उन्ना चिर तक प्राप्ति नहीं। तो साहब कहिंदे ने वह फिर जन्म गवा गए, कीता करिया भी किसे काम नहीं आया। महला तीजा, दूसरा श्लोक, सिद्ध साधिक नावै नू सब खोज दे थक रहे लिव लाए। सिद्ध वह ने जिन्हों के कोल कोई प्राप्ति है, जिन्होंने कुछ प्राप्त कर लिया। साधिक वह ने जेडे सिद्धि प्राप्त करन दे राह दे उत्ते ने, यानी उस प्रैक्टिस दे विच। नावै नू सब खोज दे, सच्चे पातशाह कहिंदे ने नाम दी वह भी खोज च ही ने, भी हालांकि उन्होंने कोल रिद्धियां सिद्धियां हैगियां ने, कुछ प्राप्त कर चुके ने, कुछ प्राप्त करने के राह उत्ते। जिवें मान लो सिद्धां दी आपां जिहड़ी गल सुणदे आं या साखियां दे विच जिहड़ा जिक्र है, गुरबाणी च महाराज जी ने सिद्ध गोष्ट च उहदा जिक्र किया, भी सच्चे पातशाह उन्होंने कोल चले गए सिद्धां दे, है ना। तो उन्होंने कोल कमाई तो बहुत आ, रिद्धियां सिद्धियां भी हैगे ने, महाराज जी नूं विखांदे भी ने उह करामातां, पर उहदे बावजूद वह क्यों धरती ते ही हले बैठे ने, भी इन्ना कुछ होने के बावजूद भी वह बेचारे क्यों सखणे च ने, बाबे नानक दी उन्हां नूं क्यों लोड़ पै गई, या फिर महाराज जदों उत्थे जांदे ने उन्हां दे नाल उन्हां दी गलबात हुंदी, वह फिर गुरु नानक साहिब जी नूं क्यों मत्था टेकदे ने, भी धन नानक तेरी वड्डी कमाई। तो इहदा मतलब उन्हां दे कोल वह नाम वाली सूझ या चेतना नहीं सी, सिद्धियां सुद्धियां तो सीगियां, वह प्राप्ति कर ली अगलिया ने, पर जदों गुरु नानक साहब गुरु उन्होंने मिले, गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी, उन्होंने फिर उन्होंने अंदर दे ओ कपाट खोल दिते जिदे नाल परमात्मा नाल सांझ बनती, यानी हों ये भी सारा हों का ही पसारा है जी। प्राप्तियां जिहड़ियां दुनियावी ने ना, भावें यह दुनियावी प्राप्तियां नूं ते अध्यात्म च कुछ गिणते नहीं, रिद्धियां सिद्धियां भी जे किसी कोल होण तां भी वह किसी अर्थ नहीं। तो साहब कहिंदे ने सिद्ध साधिक नावै नूं सब खोज दे, खोज उहदे विच ही सानूं भी, पर प्राप्ति नहीं सी। थक रहे लिव लाए, बेचारे हंभ गए, भी पूरी प्रैक्टिस कर करके थक गए, भी कोई राह नहीं लभदा। फिर जदों गुरु मिलिया, गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह मिले, उन्होंने राह खोल दिता और सिद्धा ने महाराज जी के चरणों च रख के सिर किया, धन नानक तेरी वड्डी कमाई। बिन सतगुर कि ना पायो, गुरमुख मिलै मिलाए। सच्चे पातशाह कहिंदे ने भी गुरु तो बिना वह राह किसी को नहीं मिलता जिहड़ा गुरु के सन्मुख होए। गुरमुख कौन आ जिहड़ा हर समय गुरु की प्रेजेंस च रहिंदा, वह गुरमुख आ। मनमुख कौन आ जिहड़ा अपने मन की प्रेजेंस दे विच हर समय रहिंदा, मनमुख आ। तो साहिब कहिंदे ने गुरु के सन्मुख होया ये दात मिलती है। बिन नावै पहनण खाण सब बाद है। हुण अगली गल, साहिब कहिंदे ने भी परमात्मा दे नाम दे मिलन तो बगैर, यानी उस प्रैक्टिस च जाण तो बगैर मनुख दा खाणा पीणा फिटकार योग। फिटकार फिटक, बिन नावै पहनण खाण सब बाद है। बाद हुंदा बीमारी, जिहड़ी चीज़ बीमारी बन जाए, जिहड़ी चीज़ तिकार योग होवे, जिन्हों आपां कह दिंदे वी फिटे मूँह। तो साहिब कहिंदे ने तिग सिद्धे तिग करमात, जे तुहाडे कोल सिद्धियां भी होण करामातां भी होण तां भी
त्रेगी ने, फिटकार योगी। मनुख को जिन्नी मर्जी वड्डी पावर होवे दुनियावी तौर पर, ना सिर्फ दुनियावी, इतों तक कि अध्यात्मिक जीवन दियाँ जो रिद्ध सिद्ध वाली ने वह भी पावरस होन, महाराज कहिंदे ने वह भी फिटकार योग ने, उन्होंने भी कोई अर्थ नहीं जे मनुख परमात्मा के नाम तो दे प्यार तो सखना है। तो अगली गल, सा सिद्ध सा करमात है चिंत करे जिस दास। हुण महाराज तुहाडी नज़र च फिर सिद्धी ते करामात की है? गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह जी, भी तुहाडी नज़र च सच्चे पातशाह सिद्धी ते करामात की है? तो कृपालू पातशाह जी कहिंदे ने भी जिहदे ते टुट के परमात्मा उहनूं नाम की दात दे दे समझो आही जे करामात, उही सिद्धी है, उही प्राप्ति। सिद्धी का मतलब होंदा कुछ प्राप्त कर लेना अध्यात्मिक जीवन दे विच। तो सच्चे पातशाह कहिंदे ने जिहनूं नाम मिल जाए समझो उही सिद्ध हो गया। अचिंत करे जिस दात, अचिंत वो जिहड़ा परमात्मा खुद, बाकी सारे सृष्टि चिंता च ही है जी, किसी फिक्र च है, किसी भाव च है, परमात्मा इको एक अचिंत हस्ती है, जिन्हों वो मिल जाए फिर उन्होंने अचिंत कर देता। नानक गुरमुख हर नाम वन मन वसै एहा सिद्ध एहा करमात। गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह जी कहते हैं भी गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी के घर ना असल करामात यही है भी गुरु की रहमत दे नाल किसी के हिरदे विच उहदा नाम टेक जाए। गुरबाणी च इहदे उत्ते होर कोई करामात नहीं जी। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी नूं सिद्ध कहिंदे ने भी बाबा तेरे कोल कीड़ी करामात आ, भी असीं तां इन्ने इन्ने सौ सौ सालां दे इत्थे बैठे हाँ, है ना। गोरखनाथ उहनां दा गुरु आ, उहदी सौ तों वी उत्ते एज आ, उहदी सौ डेढ़ सौ दे विच आ उहदी उस समय एज। तो कहिंदा बाबा तेरे कोल कीड़ी करामात आ जिहड़ी सानू हाले तक नहीं लभी। तो गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी कहिंदे भी बाणी तो बिना मेरे कोई करामात नहीं, भी आ शब्द ही है बस, और ये शब्द जिहड़ा रब्बी वाहो वाहो बाणी निरंकार है। तो हुण वेखो साध संगत जी, ये गल बड़ी ना ध्यान च रखने वाली है, इस करामात की सिद्धा नूं ते समझ आ गई भी आ गुरबाणी करामात है, भी बाबे कोल आ ही है। उही करामात गुरु साहब साढ़े सारे सिखां की झोली पा के चले गए महाराज, है ना, भी गुरबाणी रूप दे विच। पर एक करामात होने के बावजूद भी असी उहदे तो सखणे, ये साड़ी त्रासदी है, बस आही साड़ी फिटकार भी वो सब कुछ होने के बावजूद भी मनुख उहदे तो सखणा है, उस प्यार तो, उहदे नाम तो, उहदी याद तो, इदों उत्ते होर कोई फिटकार नहीं। और उहदा मिल जाना महाराज कहिंदे यही सब तो वड्डी करामात आ। पौड़ी हम ढाडी, ये पौड़ी जी है जी गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह जी की, क्योंकि वार महाराज जी की है, तो वार जी पौड़ियों का मुजस्मा होंगी है। तो साहब कहते हैं हम ढाडी हर प्रभ खसम के नित गाव है हर गुण छंता। ढाडी का मतलब होंगे गवैया, गाने वाला। और ढाडी कहते हैं जिहड़ा अपने मालक की उस्तत करे। ये ना पहला जदों गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह जी ने सिक्खी दे विच ढाडी ढाडियां नूं इंट्रोड्यूस कराया ना, उस तो पहला भी ढाडी रहे ने जी, और बादशाहां दे दरबार च हुंदे सन। वो फिर बादशाहां दीआं वारां गाउंदे हुंदे सन, उहनां दी उस्तत करनी, उहनां दी गल करनी। गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह जी ने सिक्खां नूं परमात्मा दी सिफत तों सलाह करन दी जाच सिखाई भी रब दी उहदे उत्ते बादशाह इस ब्रह्मंड दे विच कोई नहीं। बंदे की उस्तत की देगी, तुहानू छोटा मोटा कोई इनाम दे देगी। जे उहदी अकाल पुरख की उस्तत करोगे वह अपने घर दे विच तुहानू जगह दे सकदा, एड्डी समर्था का मालक है। तो जे बंदे नू ढाडी बनना आ जाए, गुरु नानक साहब ना गुरबाणी च कहिंदे ने हुण ढाडी वेकार कारै लाया, यह अपनी सिक्खी दे विच जां इस धरती दे उत्ते पहला ढाडी गुरु नानक उतरिया जी, जिन्हें आख्या अपनी जुबानों महाराज जी ने भी मैनू परमात्मा ने अपनी सिफत तो सलाह वास्ते चुन लिया। तो साहब कहते हैं हम ढाडी हर प्रभ खसम के किदे आ, किदी सिफत तो सलाह करनी है जी असी, खसम परमात्मा की। नित गाव है हर गुण छंता, फिर हर समय की करते हैं छंत। छंत होंदा है एक ए जिहड़ा ना साहित, उहदे विच जिहड़ी आ काव दा एक रूप है, और उहदे विच वो छंतां दे विच एक एक लफ्ज़ एक एक लाइन दे नाल जिहड़ी गल जदों कही जाती है वह मनुख दे अंदर एक्साइटमेंट भरती है, ए पूरा चेतन कर देती है भी वह बिल्कुल एक लैच होंदी
एक रिदम दे विच। तो महाराज कहिंदे ने मैं उहदे गुण भी जिहड़ा है वह एक रिदम च एक डेडिकेशन दे नाल एक सुर दे विच गाउंदा। हर कीर्तन कर है हर जस सुन है तिस कवला कंता। ना सिर्फ उहदी सिफत तों सलाह की जाती सुनदी भी है, बहुता जिहड़ा ना सुनाण दा हुंदा जी, असीं सुना रहे हैं दूसरे। मस्कीन जी ये तो एक नुकता देंदे होंगे ने, आंदे ने भी जदों आपां किसे सुनाने होंगे उदों ध्यान दूजे ते हुंदा, सुनना उदों ध्यान अपने ते हुंदा। गुरबाणी च इसे करके महाराज सुन ते करन दी कीर्तन करन दी दोनों तरह की जाच दसते ने सिख, ताकि जदों तू सुनावे उदों तेनू भी सुनदा होवे, जदों तू सुनदा होवे उदों तेरे अंदर वो एकाग्रता बने सहजता बने। वो तां ही हो सकती है जे मनुख अपने बोल आप सुन की समर्था रखता होवे। बहुते जिहड़ा वो अभ्यास है वह सारयां दा सुनाण दा ही है वी दूसरे नूं सुनाणा, तो उहदे विच ध्यान हमेशा दूसरे ते हुंदा है क्योंकि असीं दूसरे नूं खुश करना चाह रहे हुंदे आ। तो गुरु साहिब की कहिंदे ने भी परमात्मा की सिफत तों सलाह करनी ते सुननी ओ काम परमात्मा ने मैनूं दिता है। गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह जी इत्थे कहिंदे ने हर कीर्तन कर है हर जस सुन है तिस कवला कंता। बस उहदी सिफत तों सलाह करन च भी सुन च भी। हर दाता सब जगत भिखारिया मंगत जन जनता। परमात्मा इक्को एक दाता है जी, बाकी सारे मंगते ने, एक दाता सब मंगते, दूजे सारे मंगते ने। मनुख नूं मंगण दी जाच आ जाए उहनूं प्राप्ति हो जाती है। तो इहदा मतलब है भी संगत च आ के मनुख मंगणा ही सिखदा पहलां ते भी मंगणा की है और किहदे कोलों मंगणा है, यह पता होना चाहिए। जिहदे कोलों कुछ मंगिया जा रहा होवे जिन्ना चिर तक सानू उहदी हस्ती का अंदाजा नहीं, असीं उहदे तों जो कुछ मंगांगे भी वह बहुत छोटा हो जाएगा, भी साडी समर्था नहीं बननी। वो जिवें एक ना कित स्टोरी पढ़ी सी, वो बड़ी कमाल दी, एक घाइया सी कोई घा वढ़न वाला, वो राज जिथे राज महल सी ना उहदे दुआले किते रोज़ ही करदा हुंदा सी। एक दिन वो नेड़े चला गया, उत्थे जिहड़े उहदे सूईए सन राजे दे उन्होंने फड़ लिया भी किते किते दूजे पास्यों ये सूईया ना आया होवे, फड़ के उहनूं दरबार च पेश कर दिता। तो वो बादशाह नूं कहिंदा भी महाराज भी मैं तो एक गरीब जिहा बंदा ना लागले पिंडां च रहिंदा, तो मैं भी घा घू वढ़दा आउंदा रहिंदा हुंदा, तो ऐत की मैं तुहाडे किते महल दे नेड़े आ गया, इन्होंने मैनूं फड़ लिया भी मेरा कसूर कोई नहीं, मैं इवें दा नहीं हैगा कुछ। तो खैर वो बादशाह दे दरबार च खड़ा सी, बादशाह नूं सैटिस्फैक्शन हो गई भी बंदा आ मिल भी सधारण बेचारा भोला बंदा। तो बादशाह ने कहा भी हुण तूं एक करी आ गया इत्थे, हुण तैनूं खाली नहीं जाण देना, जे कुछ है तो तेरी इच्छा तो दस। हुण उह जिहड़ा घा वढ़न वाला सी एक सधारण पेंडू बंदा, उहनूं विचारे नूं की पता सी भी बादशाह दे कोल जदों पहुँच जाइए उदों बादशाह तुहानूं ऑफर करे तो तुसीं की मंगोगे। उह कहिंदा महाराज भी घा वढ़न च ना मैं कदी उत्थे जाना कदी उत्थे भी पट्ठे कट्ठे करना, तुसीं इस तरह करो जी मैनूं दो चार पंडा घा दीआं दे दो अज फिर जे मौका बन गया। तो बादशाह आंदा भी जदों बादशाह दे दरबार च खड़े होइए ना फिर बादशाह दे रुतबे दे अकॉर्डिंग मंगीदा। उतों उन्होंने अहलकारा ने जिवें दस्या उन्हें, हुण उन्हें बेचारे नूं की पता सी भी इत्थे की वैल्यू किहड़ी चीज़ की। तो खैर फिर उन्हें उहदे मन च यकदम आ गया, वह कहिंदा फिर बादशाह तुसीं अपना राज दे दिओ ना भी वह जिवें भोला पाए उहदे मन चों निकलिया। फिर बादशाह कहिंदा वह जिहड़े अहलकार सन वह कहिंदे भी जदों वड्डे की प्रेजेंस च खड़े होइए ना उदों फिर अपनी औकात भी ध्यान च रखी दी, भी दोवें चीज़ों का तुहानूं खबर होनी चाहिए भी तुसीं मंग की रहे हो। जे हुण उह घा दी पंड देंदा बादशाह तो यह मतलब वो इंसल्ट आ भी तू वो बादशाह के घर आके खलोता है, तो जे तू बादशाह तो बादशाह का राज ही मंग लेना यदा मतलब भी तेनू सूझ समझ है नहीं। तो कहानी इन्नी कु सासंगी वो सिर्फ समझने वाली गल इन्नी कु है भी मनुख जिदी प्रेजेंस च हो पहला उस हस्ती का ज्ञान होना बहुत लाजमी है, फिर अपनी पाया भी मैनू चाहिए की है वो भी खबर हो, फिर जो प्राप्ति होंगी है फिर मनुख के बराबर होर कोई नहीं होंदा। तो साहिब कहिंदे ने हुण सा सिद्ध सा करमात है चिंत करे जिस दात, वह परमात्मा जी देते रहमत कर दे। नानक गुरमुख हर नाम मन वसै एहा सिद्ध एहा करमात। परमात्मा दे दरबार च खलो के उहदे सन्मुख हो के गुरु दे राही जदों किसी नूं मंगण दी जाच आ जाए
वह परमात्मा तो परमात्मा की वड्याई मंगता है कि सच्चे पातशाह मैनू तेरी उस्तत करन दी जाच आ जाए। जदों तुसी उहदे तो उहदी सिफत तो सलाह मंग ली, तुसी समझो उहनू ही मंग लिया। उहने जदों अपनी सिफत तो सलाह तुहाडी झोली दे विच पाती, फिर उहने अपने कोल कुछ रखिया ही नहीं। इस करके गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह जी ने जदों परमात्मा तो कुछ मंगिया तो उहनां ने उहदे तो उहदी सिफत तो सलाह ही मंगी है कि तेरे गुण गाते रहिए, बस होर कुछ नहीं चाहिए। राज ना चाहो, मुक्त ना चाहो, मन प्रीत चरण कमलारे। सच्चे पातशाह तेरे चरणों के नाल प्रीत बनी रहे, ना राज चाहिए ना कुछ होर किसी चीज़ की इच्छा है। क्यों नहीं इच्छा? हुण जिवें आपां दुनियादार लोग हैं, सानू तो कोई राज दे असीं छड्डांगे? असीं तां आखणे लओ जी हुणे बिठाओ। गुरु साहिब क्यों सानू ये मंगन की जाच क्यों सिखाते हैं भी ना राज चाहिए ना मुक्ति चाहिए है? जिहड़ा राज ते मुक्ति देंदा है, साहिब कहिंदे ने जदों उहदी ही चरण शरण मिल गई फिर राज ते मुक्तियां वाले ते तुहाडे चरणां च आ के बैठणगे। आना साध संगत जी, आपां संगत दे विच जांदे आ ना जदों भी कदी, जां रब्बी नाम जी लैण वाले जीआं नूं तुसीं वेखो, तुसीं सुभाविक ही वेखो भी भावें बंदे नूं गल करनी आउंदी है नहीं आउंदी, गाउणा शब्द आउंदा कि नहीं आउंदा। स्टेज ते बहि गया ना, आपां सारे पैसे भेटा जो भी हुंदा कढ के उन्होंने चरणों च नहीं रख देंगे, भावें असी बादशाह भी होइए बाहरों आते हुए, भावें अगले नूं आ रहा है गाउणा कि नहीं, ये गल कोई मायने नहीं रखती। जिहड़ा उहदी हजूरी च उहदी सिफत सलाह करन बह गया, आपां माया दे ढेर उहदे चरणों च ला देने। इत्थों कदी ना कदी कोई गल ध्यान च आउंदी है कि नहीं साडे, भी जिहड़ी चीज़ वास्ते आपां बाहर तरलो मच्छी हुंदे रहिंदे आ, ढेंदे रहिंदे आ लोकां दे नाल, लड़दे आ, पता नहीं की करदे आ, जदों ये हजूर आ जी तो कदम च पई होंगी, सोच आती है कि नहीं? कई बार मन च ख्याल तो आता ही है बंदे के मन च। इस करके महाराज सच्चे पातशाह बख्शिश करते हैं भी तू इस खुआरी च पैना ही नहीं। जन नानक नाम ते आया गुरमुख तनवंता। अच्छा वेखो महाराज जी ने जी बख्शिश की, परमात्मा एको ही है जो दाता है, हर दाता सब जगत भिखारिया मंगत जन जनता, सारी बाकी सारे मंगते, हर देव हो दान दयाल होए। हुण गुरु साहिब जी तो जाच आ गई ना मंगन दी, तो मंग की रहे ने गुरु अमरदास महाराज जी, होए हर देव हो दान दयाल होए विच पाथर क्रिम जनता। जिहड़े तुसी सच्चे पातशाह क्रिम जंत जिहड़े पत्थरां दे विच ने उहनां नूं ही बख्शिश कर दिओ बिना उहनां दे मंगे तो। हुण जे तू साडे ते टुट्ठा ते रहमत कर। जन नानक नाम ते आया गुरमुख तनवंता, जिहड़ी बख्शिश तू गुरु नानक ते कर दित्ती, गुरु नानक दे घर दे विच कर दित्ती, जिहदे नाल उह धनवान हो गए, मतलब उन्हां जिन्नी अमीरी नहीं किसे कोल, तू उही दात साडी झोली च पा दे। एक ना अज जिथे समाप्ति, भाई शाहजाद भाई मरदाना जी दे ना बेटे ने, गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह जी उदासियां तो वापस आए, भाई मरदाना जी नाल नहीं सन क्योंकि वह राह दे विच चढ़ाई कर गए। तो भाई शाहजाद ना उन्हां दे कोल जिथे महाराज आके बाहर पिंडों बैठे खबर मिली, वह भी चला गया, जाके उत्थे संगत दे विच बह गया। उन्हां नूं पुछदा भी मेरा अबू कित्थे वे, भी बाबे दे नाल ही गया सी ते हुण है नहीं। तो वह कहिंदे ने भी सानूं नहीं पता, गल बाबे ने हाले तक कोई नहीं कीती, बाबा बैठा है संगत बह गई आके, तू जाके बाबे नूं ही पुछ लै। तो भाई शाहजाद ना गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह जी दे कोल बह के जाके कहिंदे, बाबा साडा आबू कित्थे है, भी साडा प्यो कित्थे वे? तो गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह जी ने बड़े प्यार नाल ना शाहजाद वल वेख्या ते कहन लगे, शाहजाद पुत्र भी वो अल्लाह दे घर चले गए ने, मैं उन्होंने विद्या कर रहा, हुण तुहाडी जिम्मेवारी मेरी है, जो तुहानू चाहिए तू मैनू दस, मैं तेनू दियांगा। तो शाहजाद कहन लगा, बाबा भी वड्डियां तो की मंगीदा, मैनू तो जाच नहीं, भी मैं तेरे तो की मंगा। तो महाराज ने फिर रिपीट किया सेंटेंस, भी जो तेरे मन की इच्छा तू मंग लै, वो जिम्मेवारी मेरी है, अकाल पुरख तेरी झोली च पाएगा। तो शाहजाद ने जिहड़ी चीज़ मंगी वेखो, वह कहिंदा, बाबा असी तो कहिंदा पेंडू भोले अनपढ़ लोग, सानू मंगना नहीं आता, तू इस तरह कर जो तू साडे अबू नूं दिता उही दे दे। वेखो मंगना है ना, आ मंगण दा तरीका है, भी जे तुहानू मंगना नहीं आता मंगीए किवें, की मंगीए?
ਹੁਣ ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ ਬਾਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਕੀਤਾ, ਵਿਦਿਆ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਜਾਂ ਉਸ ਥਾਂ ਦੀ ਜੰਨਤ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਕੇ ਤੋਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਵੰਡਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੰਗਾਂਗਾ ਅਤੇ ਕੁਛ ਛੋਟਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਆਹ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਦੇ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਬਾਬ ਸੀ ਨਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਵਾਲੀ, ਭਾਈ ਸ਼ਾਹਜਾਦ ਜੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਲਓ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਬਾਬੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਵਰਸਾਏ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਾਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਰਬਾਬੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਗਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਰਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ। ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਜਾਚ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੰਗਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ, ਤੂੰ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਉੱਤਮਤਾ ਹੀ ਬਖਸ਼, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦੇ, ਬਸ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਰਪਾਲੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਹੀ ਵਸਾ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਉਣ, ਐਸੀ ਦਾਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਉਣ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਜੀ ਕਾ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੁਕਰ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।